कोर्ट में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर सुनवाई होने के ठीक बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पहली बार बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि राम मंदिर का मसला अभी कोर्ट में है, लेकिन 2019 के चुनाव में नौकरी, किसानों की चिंता, भ्रष्टाचार जैसे मसले अहम होंगे। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर सुनवाई की थी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के लिए नई बेंच का गठन करने को कहा है, जबकि अगली सुनवाई 10 जनवरी तक टल गई है। आपको बता दें कि राम मंदिर का मुद्दा लोकसभा चुनाव से पहले गर्माता जा रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मसले पर बयान दिया था। एक इंटरव्यू में पीएम ने कहा था कि ये मामला अभी कोर्ट में है और ऐसे में सरकार न्यायिक प्रक्रिया पूरा होने का इंतजार करेगी। इससे पहले कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने भी कहा था कि राम मंदिर का मसला कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगा वो हमें मंजूर होगा। एक और कांग्रेस ने जहां इस पर कोर्ट के फैसले का इंतजार करने को कहा है, तो वहीं शिवसेना का कहना है कि सरकार को जल्द से जल्द इस पर अध्यादेश लाना चाहिए। इसके साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि इस मसले को बातचीत से सुलझा लेना चाहिए था, कोर्ट तक तो जाना ही नहीं चाहिए था। वहीं दूसरी ओर शिवसेना सांसद संजय राउत का मानना है कि मामले पर सुनवाई अहम है, लेकिन कोर्ट की सुनवाई से मंदिर नहीं बनेगा। ऐसा लग रहा है कि राम मंदिर का मुद्दा बयानबाजियों का मुद्दा है। राम मंदिर पर अभी फैसला तो आया नहीं, लेकिन सियासी बयानबाजी जारी है, तो देखना होगा कि राम मंदिर मुद्दे का ये सिलसिला कब तक चलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है, आप भी अपनी राय जरूर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस यूपी को भी अभी सब्सक्राइब कर दीजिए।